हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आपको मेरी तरफ से वेरी हैप्पी 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 दिवाली। आपको दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो चलिए, जैसे कि पता है आज ना दीपावली का दिन है, तो घर में तो बहुत सारा काम है, लेकिन आज करते हैं हम टेरेस पर थोड़ा और काम। मैं आज करने वाली हूँ अपने मेरी गोल्ड प्लांट की रिपोर्टिंग। ये देख रहे हैं प्लांट, इसको ग्लास में पड़े पड़े कैसे ऊपर सूख गए हैं। तो बिल्कुल दो तीन प्लांट पड़े थे जिनको मुझे रिपोर्ट करना है। सीडलिंग तो मैं कहूँगी मेरे पास बहुत सारी पड़ी है। उस सीडलिंग को मैंने करीबन 10 से 12 गमले में कहूँगी मैंने रिपोर्ट भी कर दिए हैं, लेकिन इतनी सारी मेरे पास अभी, ये देख सकते हैं जो घर में फूल होते हैं ना, पूजा वगैरह में काम आते हैं, तो उनमें से घर के या फूलों में से सुखा कर मैंने इतने सारी सीडलिंग लगा दी है और मेरी तैयार है। तो चलिए, ज़्यादा नहीं, मैं आपके साथ एक ही शेयर करूँगी, फिर मैं सारे अपने प्लान लगा दूँगी। तो आज मैं करने वाली हूँ अपने मेरीगोल्ड प्लांट की रिपोर्टिंग। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी, ये देखिए दो ग्लास में पड़े हैं। आज दोनों ही मैं ना रिपोर्ट करूँगी, पर एक ही शेयर करूँगी, क्योंकि एक हाथ में मेरे कैमरा है और एक हाथ से मिट्टी बनाना बहुत ही मुश्किल है। आप देख रहे हैं इसकी जड़ें बिल्कुल नीचे से आ चुकी हैं, यानी अगर नीचे से ज़्यादा हो जाएंगी ना जड़ें, तो फिर हमारा पौधा मरने लगता है, क्योंकि अभी इसको मिट्टी की बिल्कुल ही ज़्यादा ज़रूरत है। और ये सही टाइम भी है। मेरीगोल्ड में मेरे पास दो कलर हैं, एक ऑरेंज और एक येलो। अब कौन सा प्लांट है देखते हैं, फूल निकलते हैं, ये मैं कुछ कह नहीं सकती। तो इसमें तो मेरी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है। तो ये पुरानी बकेट है, क्योंकि 8 से 10 मैंने गमले भी लगाए हुए हैं, और 8 से 10 गमले मैं कहूँगी इस तरह बकेट बाल्टी वगैरह आती है ना कलर की, उसमें भी मैंने पहले से ही लगा के रखा है। तो 15-16 प्लांट मेरे तैयार ही हैं। वैसे तो मैंने बाल्टी में अच्छे खासे पहले से ही होल करके रखे हैं। ये दिखा रही हूँ मैं, कितनी सारी मैंने यहाँ पर बाल्टी अपनी तैयार करके रखी है। तो बहुत सारी मैंने अपनी बाल्टी वगैरह तैयार करके रखी है। और ये मेरी पुराने गमलों की मिट्टी, बहुत ही मेरी मिट्टी अच्छी है पुराने गमलों की, क्योंकि इसमें मैंने अच्छी खासी मात्रा में खाद, रेत, सॉरी खाद तो डाली हुई है, लेकिन सूखे पत्ते या फिर राइस हस्क, तो ये बहुत सारी चीज़ें मटेरियल में कहूँगी सूखा मटेरियल, ड्राई मटेरियल डला हुआ है। तो मिट्टी मेरी बहुत अच्छी है, इसमें कोई मैं खाद नहीं डालूँगी, सिंपल सा बस ये पुरानी मिट्टी लूँगी और इस बाल्टी को भर दूँगी। एक हाथ में मेरे कैमरा है, तो शायद मैं इतना अच्छी तरह आपको दिखा नहीं पा रही हूँ कि एक हाथ से मैं काम मिट्टी भर रही हूँ और एक हाथ में मैंने कैमरा पकड़ा है। तो मैं आपको मिट्टी दिखा रही हूँ, इसमें सूखे पत्ते कितने सारे आप देख सकते हैं, सूखा मटेरियल, तो बहुत ही भुरभुरी बना मेरी मिट्टी है। और इससे क्या होगा, फूल भी हमारे बहुत अच्छी मात्रा में आते हैं। जितनी मिट्टी अच्छी और पोरस होगी, भुरभुरी होगी, उसमें खाद की या फिर सूखे पत्ते, राइस हस्क, ये सब जो भी वेस्ट होता है ना हमारे किचन का निकला हुआ, टेरिस से निकला हुआ, अगर हम उनमें पौधा लगाते हैं ना, तो हमारे यानी बहुत ही, मैं कहूँगी अच्छी मात्रा में फूल आते हैं। तो चलिए, मैंने मिट्टी तो भर ली, आपको शायद मैं इतना दिखा नहीं पा रही थी एक हाथ में कैमरा की वजह से, जैसे कि पता है अभी इतनी सारी, देखिए मेरी सीडलिंग बाकी भी है जो मुझे लगानी है। तो हल्के हाथ से मैं कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे निकालने की, बिल्कुल कोई हेल्प कर लेता तो ज़्यादा अच्छा रहता, कोई मेरा वीडियो आज बना पाता, पर बहुत घर में दीपावली की वजह से काम है। तो चलिए, मैं कोशिश करती हूँ बिल्कुल धीरे धीरे हाथों से निकालूंगी, और बिल्कुल आज मैं इसको नीचे कुछ भी नहीं करूँगी, सिंपल सी जो मैंने आपको मिट्टी देखी, देखा गिर गया है, कास से बनाने का यही चक्कर है। तो सिंपल सा इसकी जड़ें देखिए, कितनी सारी जड़ें, बिल्कुल ये मिट्टी मांग रहा था। देखा ना आपने, मेरा एक पौधा मर गया तो उसमें इतनी सारी जड़ें हो गई होंगी ना, इसके वजह से शायद ये ना पौधा मेरा एक मर गया होगा, क्योंकि ना पानी तो वो गीला भी था और पानी भी था ही उसमें, लेकिन शायद उसके ना मुझे रिपोर्टिंग करना मैं भूल गई थी, मिट्टी वाना मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा जड़ें हो गई है। तो मेरी गोल्ड के प्लांट को जब भी आप लगाएं ना, कोशिश कीजिए कम से कम 12 इंच या 12 इंच के ज़्यादा गमले में लगाएं,
क्योंकि इसकी जड़ें जो होती है ना बहुत बड़ी होती हैं, डिप में जाती हैं। तो अगर आपके पास ऐसे गमले नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप वेस्ट मटेरियल में भी लगा सकते हैं। मेरी इतनी सारी जो कटिंग बची हुई, सॉरी सीडलिंग बची हुई है ना, तो अभी तो मेरे पास गमले बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे है ना बकेट वगैरह भी नहीं है खाली, तो उनको मैं अपनी जो घर में पॉलीथिन वगैरह ना निकलती है, थैलियाँ वगैरह, तो ये सारी मैं कोशिश करूँगी उनमें लगाने की। क्योंकि इससे क्या होगा, हमारे विंटर में मेरी गोल्ड और गुलदाउदी बहुत ही बहुत अच्छे, मैं कहूँगी प्लांट में फूल आते हैं, जो आपको मैंने दिखाया भी है। अगले साल मेरे कितने सारे आने हैं, मैं कहूँगी विंटर के प्लांट्स मैंने तैयार किए हुए थे, और वो भी अपने घर के सीड से या अपनी है ना कटिंग खुद लगा लगा कर। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में लाइक तो कीजिएगा पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। तो आज का दिन आपका मंगलमय जाए, और सब एंजॉय करें, आराम से मिठाइयाँ खाएं, घर में बहुत सारा काम है। आज के लिए इतना ही, बाय।